बिहार में तेजी से कोरोना वायरस अपना पाव पसार रहा है। वहीं इस दौरान नींबू और संतरा महंगा होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक कैमूर जिले में नींबू और संतरा अचानक दुगने से भी अधिक दामों पर बिक रहा है। लोगों की माने तो कोरोना काल में चिकित्सकों की सलाह है कि विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेना है और सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज बहुत ही वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद बाजारों में नींबू और संतरे की डिमांड अचानक बढ़ जाने से ऊंचे दामों पर संतरा और नींबू को दुकानदार बेच रहे हैं। दुकानदार बाहर से ही आवंटन कमाने का रोना रो रहे हैं, तो वहीं 50 और 60 रुपए किलो बिकने वाला संतरा आज बाजारों में 100 और 120 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि नींबू कोरोना काल से पहले 50 रुपए किलो बिक रहा था, वो आज 180 और 200 रुपए किलो बिक रहा है। दुकानदारों की माने तो कोरोना से पहले नींबू 40 और 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, लेकिन अभी इसका भाव 180 रुपए प्रति किलो बाजार में बिक रहा है। उनका कहना है, कई लोग कहते हैं कि कोरोना काल में संतरा खाना चाहिए जिससे विटामिन सी मिलता है, जिसके बाद इसके दाम दुकानदारों द्वारा बढ़ा दिए गए। अचानक से संतरे के दाम में तेजी देखने को मिल रही है। दुकानदार बताते हैं कि पहले संतरा 60 रुपए प्रति किलो बिकता था, लेकिन पैदावार कम होने के कारण कोल्ड स्टोरेज का माल बाजारों में आ रहा है, जिससे खर्च बढ़ गया और ये संतरा 120 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, और कोरोना काल में इसका उपयोग भी थोड़ा ज्यादा है, जिस कारण थोड़ा महंगा हो गया। चल रहा संतरा 120 रुपए केजी। अच्छा, इससे पहले क्या रेट चलता था? इससे पहले 60 रुपए केजी था। 60 रुपए? 60 रुपया से 100 रुपए था। किन्नो का क्या रेट है? गेहूँ 150 रुपए केजी है। और कोरोना को देखते हुए भाव बढ़ा है? जी सर, ऐसे हर साल गर्मी में महंगाई हो जाता है, लगन भी है ना, कोल्ड स्टोर का माल आ रहा है तो महंगा। वहीं अनुमंडल अस्पताल मोहनिया के चिकित्सक डॉक्टर ए के दास बताते हैं, जब से कोरोना भयानक रूप ले चुका है, व्हाट्सएप पर कई प्रकार के मैसेज आते हैं कि नींबू और संतरे का उपयोग करना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन सी मिलता है। इसके बाद बाजारों में नींबू और संतरे के दाम अचानक बढ़ गए। किसी भी चीज की मांग अगर बढ़ती है तो मूल्य बढ़ ही जाता है। इसी का कारण है कि बाजारों में दोनों फल महंगे दामों पर बिक रहे हैं। मौसमी, नारंगी और नींबू, इस सब में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा पाई जा रही है, जाती है, जिसके कारण अभी सोशल मीडिया पर या जनरल पब्लिक ये आ गया है कि विटामिन सी बहुत खाना है कोरोना से बचने के लिए, तो प्रिस्क्राइब भी किया था विटामिन सी खाने के लिए, डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं इसके, और सोशल मीडिया पर इस तरह खबर क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, उसमें भी बताया जा रहा है विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा लेना है। और लोगों को ये भी जानकारी अब हो गई है कि मौसमी, नारंगी, नींबू, विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए हमसे मेरे समझ से कि इसका डिमांड बढ़ गया, नींबू का और नारंगी का डिमांड बढ़ गया है। और इकोनॉमिक्स का नियम है, किसी चीज़ का डिमांड बढ़ेगा तो उसका दाम बढ़ेगा।